गोरखपुर में क्याट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर फरार हो जाने वाले दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रहने वाले ज्ञानचंद ने क्याट पुलिस को सूचना देते हुए कहा था कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक ने उनका मोबाइल छीना और वो फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई एक मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल एक बाइक को बरामद किया है। दिनांक 21/4/24 को थाना कैंट पर मोबाइल लूट की सूचना दी गई, जिसके पश्चात हमने थाना कैंट पर 242/24 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया। इसके बाद हमने एक टीम बनाई महेश रेलवे चौकी इंचार्ज के नेतृत्व के अंदर, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है और हम इसमें दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम रंजीत और जीनक है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है। दूसरा किशन कुमार है, इसने पहली बार लूट में भाग लिया है। और इसके साथ साथ हमने बरामदगी भी की है, एक मोबाइल फोन एवं इस अपराध में प्रयुक्त हुई बाइक को भी हमने बरामद किया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां करारे थाना क्षेत्र के रहीमपुर मोलानी गांव में मंगलवार की शाम आम बीनने गए चचेरे भाई बहन तालाब में डूब गए। कुछ देर बाद कोचते हुए परिजन मौके पर पहुंचे, दोनों को तालाब से निकालकर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही बच्चों की मौत के बाद से गाँव में मातम का माहौल है। देखिए, ये थाना करारी के रहीपुर मौलानी गांव का मामला है। वहाँ चचेरे भाई बहन, जिसमें एक की उम्र 6 वर्ष एक की 8 वर्ष है, वो गांव में ही घर के पास उनके एक तालाब था, वहाँ खेलते खेलते चले गए थे। परिजनों की निगाह नहीं पड़ी और वो तालाब के अंदर चले गए थे। पता चलने पर उन्हें तत्काल निकाल करके अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ वो उनकी बच्चों की मृत्यु हो गई है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। देवरिया से खबर है, जहां कंबाइन मशीन में आग लग गई, जिसके बाद मशीन का ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक कंबाइन मशीन काफी हद तक जल चुकी थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना पिपरा मदन गोपाल की बताई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई। काम काज में, भाग दौड़ में मेरा काफी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।